नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हरियाली द वनस्पति हिंदी गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने करीब 15 दिन पहले गर्मियों के फूलों के कुछ बीज बोए थे और उसमें मैंने साथियों बिना छाने हुए पॉटिंग मिक्स तैयार किया था और उनका रिजल्ट दोस्तों अच्छा नहीं रहा। तो इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया है कि जो भी पॉटिंग मिक्स में मैं तैयार करूंगी बीजों के लिए, उनको मैं छान के इस्तेमाल करूंगी। दोस्तों, मैं आज बो रही हूँ सेलोसिया प्लूमोसा के बीज। गर्मियों में जो फ्लावरिंग करता है उसके मैं आज बीज बो रही हूँ दोस्तों, सेलोसिया प्लूमोसा के। और उसके लिए मैंने लिया है 4 इंच का मिट्टी का गमला और इसके ड्रेनेज होल को मैं कॉटन के कपड़े से, मोटे कपड़े से अच्छे से बंद कर ले रही हूँ। दोस्तों, मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं होगा, तो मैं इसी में लगा रहने दूँगी अपने सीडलिंग्स को, ताकि इसी में वो ग्रो करते रहें। और दोस्तों, जब रेनी सीज़न आ जाएगा तब मैं अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करूँगी। तो मैंने ड्रेनेज होल को बंद कर लिया है और साथियों, इसके पॉटिंग मिक्स में मैं ले रही हूँ रिवर सैंड, कंस्ट्रक्शन सैंड जो होती है, गार्डन सॉइल और काउडंग कंपोस्ट, यानी कि गाय के गोबर का जो उपला होता है कंडा, उसको मैंने फोड़ लिया है। और दोस्तों, सेम प्रोपोर्शन में, सेम क्वांटिटी में तीनों को बराबर बराबर मात्रा में ले लिया है, 33%, 33%, 33%। और दोस्तों, इसी को मैंने छान लिया है, इसी को छान लिया है और छान के ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों, तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। और उसके पहले मैं दोस्तों, एक नई चीज़ इसमें ये है कि मैं अपने बीजों को बोने के लिए पहले जो मैं इसमें पॉटिंग मिक्स भर रही हूँ दोस्तों, उनको, इन तीनों को मैं पहले नीचे नीचे इसी तरह से इनको भर लूँगी, अच्छे से पहले इनको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये जो काउडंग कंपोस्ट है, जो गोबर का उपला है, ये मोटा मोटा है, लेकिन ये बाद में जैसे जैसे इसमें पानी डलेगा ये डिकम्पोज हो जाएगा और मुलायम हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। दोस्तों, इसको मैं भर ले रही हूँ 80%। दोस्तों, इसको मैंने 80% भर लिया है। और साथियों, इसमें मैं अच्छे से वाटरिंग कर लूँगी, ताकि जब मैं अपने बीज इस पर रखूँ तो वो उनको नीचे से नमी मिलती रहे। और दोस्तों, इनको मैं ढक के रखूँगी, तो इसलिए इनको खोलना नहीं है कम से कम 4-5 दिन। और आज है मार्च की 12 तारीख, लेकिन दोस्तों हल्का मौसम बदला है, गर्मी की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी सर्दी है। तो इनको मैं खोल के नहीं देखूँगी जब तक कि 5 दिन करीब नहीं हो जाएंगे, 4-5 दिन हो जाएंगे दोस्तों, तभी मैं खोलूंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और साथियों, इस तरह से मैंने इसमें वाटरिंग कर ली है, फर्स्ट वाटरिंग है दोस्तों, और ये अच्छे से पानी इसमें नीचे तक चला जाएगा और एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाएगा। इस तरह से ये, और दोस्तों ये हैं सेलोसिया के बीज जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, आपके साथ शेयर किया था। क्राफ्ट ब्रांड के हैं ये, और दोस्तों मैं कह नहीं सकती सीड्स कैसे हैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और सूरजमुखी वगैरह के जो प्लांट्स हैं उनमें अच्छे से सीडलिंग हुई है, और बाकी अभी जीनिया के, पोटुलाका के भी मैंने बोए हैं और अभी बोती जा रही हूँ, और उसके बाद में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये कैसे है ब्रांड। तो दोस्तों, इनको मैं अच्छे से खोल ले रही हूँ, पहले इसके पैकेट को मैंने काट लिया है। और दोस्तों, इसके बीज भी पोर्टुलाका और कॉप्सकॉम की तरह बहुत बारीक और छोटे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने करीब ले लिए हैं 150 सीड्स, बहुत छोटे बारीक हैं, जैसे कांच के काले मोती हूँ। और इनको मैं बोऊंगी दोस्तों, और ये जो सीड्स हैं बहुत बारीक हैं, इसलिए इनको बोने के बाद इसके ऊपर जो मैं पॉटिंग मिक्स छिड़कूंगी, जो कि मैंने पहले से तैयार कर रखा है साथियों, और इसको जब मैं छिड़कूंगी तो बहुत बारीक लेयर में लगाऊंगी। और दोस्तों, तब तक ये हमारा पानी इसमें नीचे बैठा जा रहा है, और अगर ज़्यादा पानी रह जाएगा दोस्तों, अगर बीजों के नीचे से, तो फिर वो सड़ने का डर है, हमारे बीज स्प्राउट नहीं होंगे।
और दोस्तों ये बीज हमने ले लिए, लगभग 150 बीज हैं ये, क्योंकि मैं इनको ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहती दोस्तों, इसलिए क्योंकि ये बीज बहुत छोटे हैं तो इसके सीडलिंग्स भी बारीक होंगे। वही बात है दोस्तों जो मैं बार बार कहती हूँ, खुद प्रयोग करके जो अनुभव होता है उसका जो है किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। और मैंने दोस्तों पोर्टुलाका और कॉक्सकॉम के बीज बोकर देखे, वो बहुत ही बारीक होते हैं, उनकी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उनकी सीडलिंग्स को हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, बहुत ही पतले और बारीक प्लांट होते हैं, सीडलिंग्स होते हैं जो नए निकलते हैं। दोस्तों ये जो तीनों मैंने बराबर मात्रा में लिए हैं, इनको मैंने मिक्स करके पहले से रखा हुआ है और इसकी मैं बारीक एक परत इसमें छिड़क लूँगी, करीब 1 इंच मोटी। दोस्तों नीचे से ये काफ़ी गीला है अभी, तरह से मैंने इसको छिड़क लिया है। और दोस्तों अब मैं इन सीड्स को दूर दूर स्प्रिंकल कर दूंगी, और दोस्तों जो बचा हुआ पैकेट है उसको बहुत अच्छे से पैक करके एयर टाइट कोई कंटेनर में मैं रख दूंगी, ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए काम आ सके। दूर दूर कर देंगे ताकि हमारे जो सीडलिंग्स निकले वो दूर दूर हों और हमें ज़्यादा प्लांट्स मिल सकें। इस तरह से साथियों ये मैंने बीज बो दिए हैं, आपने देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, और मैं इनमें बहुत बारीक बारीक दोस्तों वो कर लूँगी, हल्की सी इसमें पानी छिड़क लूँगी, बहुत हल्का सा। और अब मैं इस पाउडर को भी छिड़क लूँगी, देखिए कितने प्यारे कितने सुंदर लग रहे हैं, दूर दूर काले काले। इस तरह से मैंने इस बहुत ही बारीक लेयर में मुझे हमें बिछानी है, क्योंकि हमारे सीड्स बहुत छोटे हैं, सारे सीड्स को ढकना ज़रूरी है दोस्तों, अगर उनमें हवा लगती रहेगी, अगर वो दिखते रहेंगे तो वो स्प्राउट उसमें से नहीं निकलेंगे। इस तरह से मैंने अपने सीड्स पे ये पॉटिंग मिक्स, वही वाला जो सीड्स के नीचे हैं वही इस पे ऊपर छिड़क दिया है, और साथियों अब मैं इनमें वाटर स्प्रे से वाटरिंग कर दे रही हूँ, ताकि ये हमारे अच्छे से स्प्राउट हो जाएँ। दोस्तों इतने पतले हैं ना ये बीज की इसमें दिख रहे हैं वो, उसको मैं हल्का हल्का ढक दे रही हूँ। और दोस्तों करीब 3 दिन तो कम से कम मैं पूरी तरह से इसका पॉलीथिन से ढका रहेगा, आपको दिखाती हूँ, पूरी तरह से पॉलीथिन से ढका रहेगा, और उसमें जो अंदर जो हीट बनेगी, क्योंकि गर्मी भी ज़रूरी है बीजों को अंकुरित होने के लिए, तो मैं ये जो टैबलेट से बने होते हैं इस वाले पॉलीथिन से मैं ढक दे रही हूँ दोस्तों, और उसको मैं कर रही हूँ नीचे की तरफ, ताकि जब भी इनको मैं सुबह दोस्तों रोज़ मॉर्निंग की अर्ली मॉर्निंग की 1 घंटे धूप में रखूँगी, और जो इसमें अंदर हीट बनेगी उससे हमारे सीड्स को जर्मिनेट होने में बहुत हेल्प मिलेगी। और दोस्तों इनको आज है 12 तारीख, मैं 15 तारीख तक तो बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, और 16 तारीख को उनको खोल कर देखूँगी और आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट ज़रूर दिखाऊँगी। और दोस्तों इनको ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि हवा भी ज़रूरी है बीजों को स्प्राउट होने के लिए, तो मैं दो दो बारीक बारीक से छेद दो साइड कर दे रही हूँ, ताकि इनको हवा भी मिलती रहे दोस्तों। इस तरह से मैंने कर दिया है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो साथियों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय साथियों, टेक केयर।